हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड आशा करता हूं लोग बढ़िया होंगे और आगे चल के भी बढ़िया रहना। तो आज मेरे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड स्टोरी है जिसमें बात करेंगे जीडब्ल्यू के आयुष और खत्री एफएफ के कंट्रोवर्सी के बारे में कि क्या ये कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए हो रहे हैं। इस बात को खत्री एफएफ ने खुद बताया है कि जीडब्ल्यू आयुष ने इस कंट्रोवर्सी को सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए स्टार्ट किया है। ये बंदे मेरे लाइव में भी बोला था कि ये बंदे व्यूज के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। एंड ये बंदे मेरे को बोलते हैं कि गाइस मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ ऑडियंस को, ठीक है, और मतलब मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। अब सब बात का रिप्लाई देते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेरे को बोल रहे हैं कि मैं मैनिपुलेट कर रहा हूँ, मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ। तो गाइस एक काम करिए, क्लिप देखिए, लेजेंड की वीडियो वीडियो तुझे देखी। मजा नहीं आया पर 16,000 बंदों को जरूर आया। अच्छा क्या होता 16 है नहीं भाई? भाई, आयुष के, भाई आयुष के तो 20-22 के व्यूज आ गए होंगे भाई उसके। भाई जो व्यूज आया ना उसके, मजा आ गया देख के। हाँ 13-16 क्यों हो गया? 17 क्यों हो गया होगा। ठीक है, ठीक, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, समझ गया। तो गाइस एंड आप लोग बता दें कि ये कंट्रोवर्सी अभी टाइम में थोड़ी सी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी खत्री एफएम ने आखिर जी जब दिल को क्यों छोड़ा, और इसके बाद इस कंट्रोवर्सी में एनजी, अभिषेक, प्रो नेशन सारे बंदे इंक्लूड हो गए। तो कल के दिन, मतलब 2 दिन पहले, मैडक्स ने चैनल पर एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने बताया कि खत्री एफएफ का रिलेशन प्रो नेशन से भी अच्छा नहीं है। देन इसके बाद कल खत्री एफएफ का रिप्लाई आया, उसके बाद खत्री एफएफ ने बताया कि उनका प्रो नेशन से सारे रिलेशन अच्छे हैं। मैं आप लोगों का उस वीडियो का छोटा सा क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ। गाइज इसने एक वीडियो में एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, ठीक है। गाइज ये मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, ठीक है, आप देख सकते हो। तो गाइज इसमें लिखा है, हर्ष भाई तुम्हें खत्री ने गाली दिया था क्या? तो गाइज हर्ष भाई ने लिखा नहीं, ठीक है, और उसने और आपने सब क्लियर कर लिया, मैं बात नहीं करता उससे, ठीक है। तो गाइज हर्ष भाई ने बोला कि मैंने गाली नहीं दिया, और गाइज इस बंदे ने क्या बोला कि मैंने वीडियो में गाली दिया। अच्छा चलो गाइस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अभी ये स्क्रीनशॉट को हटाते हैं साइड में। तो गाइस एक काम करो, अभी आप एक क्लिप सुनो जो पीएन के एक्स मेंबर थे एम्पायर भाई, उन्हीं के मुंह से। हेलो एम्पायर भाई, क्या हाल है? चल रहा है, बताओ तुम्हारा। बस बढ़िया भाई। अच्छा भाई ये बताओ, ने हर्ष भाई को गाली गलोच करके रखा है, गाली देकर रखा है सीधा ये वो करके। नहीं, ये बात गलत है। मुझे पता है कि हर्ष भाई के साथ, कभी हर्ष भाई को भी पता होगा, हर्ष भाई झूठ नहीं बोलते हैं, मुझे पता है। तो देखो, तो हर्ष भाई को साथ कभी खत्री का बात हुआ नहीं, आई थिंक कभी आपस में तो बात हुआ ही नहीं, और खत्री ने कभी मेरे सामने भी हर्ष भाई को गाली नहीं दिया है। बट उसका एक सीन हुआ था, वो हुआ था जब आयन के साथ, आयन मतलब वो लोग खेल रहे थे शायद ना, खत्री तुम लोग खेल रहे थे ना एक दिन, वो हाँ, जब वर्सेस आयान खेल ने कुछ हो रहा था, तो ट्रोल उस करा टाइम पे था। शायद कुछ तुम लोगों का हो गया था सीन, तो वो आयन के साथ हुआ था, बट हर्ष भाई को कभी गाली नहीं दिया इसने। तो गाइज आप लोगों ने एम्पायर के मुंह से भी सारा का सारा सीन सुन ही लिया है कि गाइज मैंने हर्ष भाई को गाली दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो जल्दी बढ़ते हैं अपने अगली अपडेट की तरफ, बात करते हैं देसी गेमर के बारे में। तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले 10th का रिजल्ट आया सीबीएसई बोर्ड का, तो वहीं पे लाइव स्ट्रीम के टाइम भी देसी गेमर इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे थे। देन साथ में उन्होंने अपना भी मार्कशीट रिवील कर दिया कि उनका 10th और 12th में कितना नंबर आया था। उन्होंने अपना एग्जैक्ट नंबर तो नहीं बताया, बट उन्होंने बताया कि उनका जो रिजल्ट था 10th और 12th का 65 से लेकर 70 के बीच था। मैं आप लोगों को उस वीडियो का छोटा सा वीडियो क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ। 60 में था, पता नहीं एग्जैक्ट, पता भी नहीं सोचा अभी क्या इज्जत है उस रिजल्ट का, ठीक है। और 12th में 67% आया था, नहीं 12, हाँ 10 में भी 12 में भी 65 to 60 70 के परसेंट, मतलब 70 से 70 नहीं था, 60 की लाइन में था। एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, ठीक है। सेम भाई, मेरा भी ऐसे ही था, 65 और 60। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, बात करते हैं टोटल गेमिंग के बारे में। तो टोटल गेमिंग को कल के दिन थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही हेट मिल गया, बहुत सारे बंदे उनको ट्रोल करने लगे। तो आप लोग बताओ कि टोटल गेमिंग आरसीबी को सपोर्ट करते हैं, बट आरसीबी मैच हार गई। इसके बाद उन्होंने ट्वीट किया कि कुछ गधों की जीत ज्यादा हमारी हार के चर्चे हैं, नेक्स्ट टाइम मिलना। इसी ट्वीट के बाद इनको बहुत ही हेट मिलने लगा, लोग बोल रहे थे ऐसा कि ये डबल मीनिंग वाले ट्वीट कर रहे हैं और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। एंड इसके बाद एक बंदे ने कमेंट किया कि टॉकिंग अबाउट आईपीएल और कर्नाटका, एंड बहुत सारे बंदे इनको बीजेपी का सपोर्टर ही बोलने लगे। एंड एक बंदे ने कमेंट किया कि इट इज सेम दैट इंडिया हैज इन्फ्लुएंसर लाइक यू, यू हैव 34 मिलियन सब्सक्राइबर एंड थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर ऑन इंस्टाग्राम, बट यू आर पोस्टिंग सच अवेफुल ट्वीट्स। एंड एक ने कमेंट किया कि भाई गलत टाइम पे ट्वीट किया, अब इसको पॉलिटिक्स व्यूज मिलेगा, तुम नहीं बचोगे। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली अपडेट की तरफ, बात करते हैं एस गेमिंग के बारे में। तो क्या ये फ्री फायर में कमबैक करने वाले हैं? वैसे आप लोग बताओ कि ये फ्री फायर को ट्वीट कर चुके थे, ये ब्लॉगिंग वीडियो पर शिफ्ट हो गए थे। देन कल के ब्लॉग वीडियो में बताया कि ये फ्री फायर का डेली से लाइव स्ट्रीम भी चालू करने वाले हैं। वीडियो नहीं डाली है मेरे को ना, अभी रेगुलर होना है मेन चैनल पे ना, मैं सोच रहा हूँ आपसे डेली वीडियोस डालू एंड लाइव स्ट्रीम्स भी करनी है, फ्री फायर की वीडियोस डालनी है फिर से अपने को, क्योंकि आप लोगों को बहुत टाइम्स आप लोग बोल रहे थे एंड आप लोगों को पसंद भी आ रही है फ्री फायर की वीडियोस, तो मैं सोच रहा हूँ फ्री फायर की वीडियोस डालते हैं और लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दिन में मैं वैसे ही फ्री होता हूँ, क्योंकि वीडियोस तो रात में बनाता हूँ मैं फ्री फायर की, तो मैं सोच रहा हूँ दिन में लाइव ही खेलने करूँ, क्योंकि बीच में मैंने लाइव स्टार्ट भी किया था, मैंने 3 या 4 दिन किया था एंड आप लोगों को बहुत मजा आता था लाइव स्ट्रीम पे, तो मैं लाइव स्ट्रीम
पे बहुत जल्दी वापस आने वाला हूँ। कल शायद मैं लाइव करूँ, कल से स्टार्ट करूँ, बट इस बार मैं सोच रहा हूँ रेगुलर रहूंगा, जब से भी स्टार्ट करूँ, कल से परसों से जब भी स्टार्ट करूँ बट रेगुलर रहूंगा, एंड व्लॉग भी मैं रेगुलरली ही डालूंगा, ऐसे ही करूंगा। तो अभी फिलहाल तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, बात करते हैं बिजनेस गेमिंग के बारे में। बिजनेस गेमिंग तो दो दिन पहले लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, उसी टाइम भी बहुत सारे बंदे इनको ट्रोल करने लगे, क्योंकि लाइव स्ट्रीम में ही एक लड़की ने इनको कमेंट किया कि मेरा रिक्वेस्ट ले लो जी, फिर उसके बाद इन्होंने रिक्वेस्ट ले लिया, बट उसके बाद बहुत सारे बंदों ने कमेंट किया कि मेरा रिक्वेस्ट ले लो, तो उन्होंने किसी का भी रिक्वेस्ट नहीं लिया, एंड इसके बाद सभी लोगों को यही लगने लगा कि इन्होंने लड़की समझ के रिक्वेस्ट लिया है, मतलब भाई लड़का है तो करेगा ही ऐसा। बट इसके बाद बहुत सारे बंदे इनको कमेंट में ट्रोल करने लगे, साथ ही एक ही बात बोले जा रहे थे, गद्दारी करबे वाला इतना कमेंट इनमें स्पैम हुआ, जिसके बाद इन्होंने कमेंट पढ़ना ही बंद कर दिया। मैं आप लोगों को उस वीडियो का छोटा सा क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ। हम ना इसको ऐड करने वाले भाई, निशा जी को ऐड करने वाले हम लोग भाई, मेरे को नहीं पता भाई, निशा जी के साथ तो हमको खेलने, तब से इतना जी बोला, इतना जिंदगी में मेरे को इज्जत दी है बहुत सारों ने, बट इतना जी आज तक किसी ने नहीं बोला भाई। जी निशा जी, आपको हमने रिक्वेस्ट भेजा जी, आप टेंशन मत लीजिए, इतना जी मत बोला करो। भाई बिंजर भाई, भाई तो पिघल गया भाई, घंटा भाई गद्दारी कर रहे तेरी मेरी। तो चलिए बढ़ते अपने अगली अपने सीधा बात करते हैं ऑरा गेमिंग के बारे में। तो फ्री फायर से थोड़ा सा गुस्सा दिख रहे थे इस बात को लेके कि फ्री फायर जो है वो ई स्पोर्ट प्लेयर का वी बैच ले रहा है। बेसिकली इन्होंने यही बोलना चाह रहे थे कि फ्री फायर को ई स्पोर्ट प्लेयर से वी बैच नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फ्री फायर प्लेयर अपने टीम को, अपने कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करता है। एंड मैं उसका छोटा सा क्लिप भी प्ले करके दिखाया था, आप लोग देख लो। मैं थोड़ा सा नाराज नहीं हूँ, बहुत ज्यादा नाराज हूँ, एक चीज करी ना फ्री फायर ने बहुत गलत करी, जिसके लिए ना मैंने शायद वासियो भाई की लाइव स्ट्रीम पे ये बात बोली थी और शायद उन्होंने मिस, बहुत सारे लोगों ने मिस कर दी होगी। मैं बता देता हूँ, अभी बोल देता हूँ दोबारा, गिरी ने फ्री फायर ने बहुत बड़ा गलत स्टेप ले लिया है कि जितने भी ई स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं उनसे वी बैज लेकर के। समझ में आता है क्रिएटर से आप वी बैज ले लेते हो क्योंकि वो पार्टनरशिप प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कि भाई यहाँ पे एक ई स्पोर्ट्स एथलीट भी आपकी गेम को प्रमोट करे, जिसने आपकी गेम के अंदर इतने आवर्स ग्राइंड कराए, इतने सारे टूर्नामेंट खेले, उसने नाम बनाया और आप उसे वी बैज लेते हो, बहुत गलत चीज होने वाली है मुझे। तो चलिए बात करते हैं कुछ अचीवमेंट के बारे में। तो एमजी अल्फा कंप्लीट हो गए हैं 400 के सब्सक्राइबर, एंड रेक्स कंप्लीट हो गए हैं 800 के सब्सक्राइबर, साथ ही एक्शन बोल के कंप्लीट हो गए हैं गेम में 97 लेवल। तो मेनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। एंड आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड आप लोग मेरे से बात करना चाहो तो मैं इंस्टा पे हूँ, इंस्टा का लिंक मैं हर एक बंदे का रिप्लाई करता हूँ, चाहो तो मैसेज और फॉलो कर सकते हो, इंस्टा का लिंक का वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों देखने को मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय टाटा, लव यू ऑल।